निकालना है, मैन निकालना है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यहाँ पे VM क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मैन किस तरफ चल रहा है, वेस्ट की तरफ चल रहा है, और वेलोसिटी उसकी कितनी है, VM, और रेन ऊपर से नीचे गिर रही है। तो इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड एक वर्ड आया ना, कि रेन कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और रेन की वेलोसिटी क्या है, VR। और हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन भी तो चल रहा है ना, तो वेलोसिटी अलग हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इसके थ्रू बताती हूँ। अगर ब्रिंग द मैन टू रेस्ट बाय इम्पोजिंग वेलोसिटी माइनस का VM, हम चाहते हैं कि मैन ऐसे चल रहा है लेकिन वो किस पे आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, तो हमें इस डायरेक्शन में चल रहा है, वो तो हमें पहले मान लो दे रखा है, ये मान लो क्वेश्चन है, पहले दे रखा है ना, वेस्ट में दे रखा है, तो मुझे किस तरफ, हमें किस तरफ वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगी, ईस्ट। मतलब ये पॉजिटिव है, इसको क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। तो इसको जीरो करने के लिए, टू ब्रिंग द रिलेटिव वेलोसिटी बाय इम्पोजिंग माइनस VM, तो हमें उस ऑन मैन, और अप्लाई किस पे करनी है, ये रेन पे भी, क्योंकि रेन पे को भी तो हमें सेंटर में लेके आना है। तो सीधी सी बात है, पहले मैन था वेस्ट में, तो जो भी डायरेक्शन दे रखी है, अगर यहाँ पे होता ईस्ट तो क्या कर देते, अपोजिट वेस्ट कर देते, वेस्ट तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या बन रहा है प्रॉपर, देखो वेलोसिटी चाहे रेन की हो चाहे मैन की हो, वेलोसिटी तो वेक्टर, और वेक्टर ही रहेगी हमेशा। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जब भी हमें नेट निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का। कोस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। कोस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो डिग्री। तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, जीरो। तो ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया, ये कि सिर्फ इसका केस था, 90 डिग्री का केस था। अब जो ये एंगल बन रहा है ना, मान लो इसने ऐसे छाता पकड़ रखा, इसके साथ बन रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनता है, मैंने कल बात बोली थी, वो चीज़ क्या होती है हमारे पास, बेस। बेस होती है ना, एंगल जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है, और एंगल के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये तो बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, VM, और बेस क्या है, VR। ये समझ में आया, क्यों लिया, क्योंकि हमारा एंगल किसके साथ बन रहा है, बेस के साथ बन रहा है, और बेस यहाँ पे क्या है, VR है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया इसका, VM बाय VR, और टेंजेंट इधर जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। ये सिंपल किसका फॉर्मूला था, एंगल का। और हेयर एंगल थीटा इज फॉर्म वर्टिकल टूवर्ड वेस्ट एंड इज रिटन एज थीटा। वर्टिकल टूवर्ड वेस्ट मतलब किसकी तरफ आ रहा है एंगल, वेस्ट की तरफ आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है, वेस्ट की तरफ आ रहा है ये एंगल। मैन की वेलोसिटी क्या है, VM, वो यहाँ पे था, रेन ऊपर से आ रही थी, कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा था, ठीक है। एक बार बता देती हूँ, मैन की वेलोसिटी क्या थी, इस तरफ थी, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। मैन इधर चल रहा था, इधर वेलोसिटी है इसकी, यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा, ये वेस्ट की तरफ है, ये क्या थी, रेन थी। अब ये बेस है और ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो जब भी हम ये ट्रायंगल बनाते हैं तो बेस के साथ होते हैं हमेशा एंगल, ठीक है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, VM, बेस क्या है यहाँ पे, VR। टेंजेंट यहाँ पे थीटा आ गया, और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या आया, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला ये है, इधर जाके क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्स, ये क्या है, वर्टिकली टूवर्ड वेस्ट है। अगर मैन अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा रेन से, तो उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, अपने आप को उसको प्रोटेक्ट करना है ना, किस पे रेन का इफेक्ट ना पड़े। देखो हम ना इफेक्ट होते हैं, लाइक रेन ऐसे गिर रही है, वो तुमने बचपन में ये सोचा भी होगा, रेन इस तरीके से गिरे तो आगे होल्ड करोगे, ऐसे गिरे तो होल्ड एंगल, देखो कुछ नहीं, अम्ब्रेला ऐसे सीधा है, 90 डिग्री का है, मेरे हाथ से 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। मैं इसको ऐसे करूँ, टिल्ट करूँ 30 से, 45 से, 60 डिग्री से, सारे एंगल तो है ना, इवन बारिश भी किसी एंगल से आती है, दूरी थोड़ी हमेशा स्ट्रेट आती है, कभी कभी देखो वो तिरछी बारिश जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरीके से बारिश की बूंदें गिरती हुई ऐसे आती है, आनी तो ऐसे चाहिए थी सीधा, लेकिन आती कैसे, बिल्कुल तिरछी सी, ऐसे सीधी ना, कैसे तिरछी आती है, और सकता है ऐसे आ रही हो, तो कुछ एंगल बना रही है, डेट इज द एंगल। तो यहाँ पे अगर
इन राजन को अपने आप को बचाना है, मैन को अपने आप को बचाना है किससे, रेन से, तो उसको किस तरीके से अम्ब्रेला अपलोड करना है। रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब कि जिस तरीके से बारिश आ रही है उसी के वहीं पे हो जाए, लाइक बारिश आ रही है तो मैं यहीं पे अम्ब्रेला रख लूँ तो मेरे ऊपर आएगी क्या, तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो आ रही है उसकी रिलेटिव स्पीड है या वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड वर्ड बोलना गलत रहेगा बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये फॉर्मूला हम किस में अप्लाई करते हैं, वेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। 90 डिग्री क्यों था, बिकॉज दे मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो होता है, सिर्फ फॉर्मूला ये बना, ठीक है। तो आगे समझ में एंगल आ गया। अब आपको मान लो ये दे रखो, और मैं एक क्वेश्चन बोलती हूँ, अगर आपको थीटा टेंजेंट थीटा दे रखा है, बताना टेंजेंट थीटा दे रखा है वन, वी एम बाई वी आर इक्वल है, तो बताओ किस एंगल पे होल्ड करे वो, वेरी गुड। अगर दे रखा है रूट थ्री तो किस एंगल पे होल्ड करे, 60 डिग्री। वन बाई रूट थ्री तो किस पे होल्ड करे, 30 डिग्री। तो ये इसका एंगल था।